हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रामर पॉप। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक ऐसा है, उसमें सिर्फ जूनियर स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि सीनियर स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं। टॉपिक बहुत इजी है, टॉपिक है आर्टिकल, लेकिन स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स में फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए जाने क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो आइए सीखते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जो कि द है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो कि अ और एन है। आर्टिकल अ का यूज किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है जिसमें नाउन साउंड कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, लाइक का, क कॉन्सोनेंट साउंड आर्टिकल अ यूज होगा, स्मॉल आर्टिकल अ यूज होगा, अगेन स्मॉल कॉन्सोनेंट साउंड आर्टिकल अ यूज होगा। आर्टिकल अ का यूज किसी एक व्यक्ति और वस्तु के लिए, जैसे कि वुमेन, व कॉन्सोनेंट साउंड आर्टिकल अ यूज होगा, यंग, य आर्टिकल अ यूज होगा, फ्रेंडली आर्टिकल अ यूज होगा। जहां तक बात है आर्टिकल एन की, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं आर्टिकल एन को लेकर के, और उनका मानना यह है कि जहां कोई नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा लाइक ए ई आई ओ यू तो एन यूज करना है, जबकि यह गलत है। यहां कोई वर्ड जरूरी नहीं है कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो, यहां जरूरी यह है कि जो नाउन है उसका साउंड वॉवल होना चाहिए, ना कि फर्स्ट लेटर वॉवल हो। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर वॉवल हो, लाइक यहां तो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे एप्पल, अ वॉवल साउंड एन यूज होगा, ऑरेंज, ओ वॉवल साउंड एन यूज होगा, एग प्लांट, ए एन यूज होगा, अ बुक, ब अ यूज होगा, इंटरेस्टिंग बुक, ए एन यूज होगा, एनिमल वॉवल साउंड अ एन, स्मॉल एनिमल अ यूज होगा। यू कैन प्रैक्टिस एन अम्ब्रेला, अ हैट, एन आर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि वर्ड किसी वॉवल से स्टार्ट हो, आप देख सकते हैं जैसे कि आर, यह वर्ड वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन साउंड वॉवल है, तो आर्टिकल एन यूज होगा। और यहां बहुत जरूरी है, यहां ध्यान दिया जाए, यूनिवर्सिटी लेटर फर्स्ट लेटर वॉवल है लेकिन साउंड वॉवल नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यह साउंड कॉन्सोनेंट अ यूज होगा। दीज आर द आंसर्स एंड यू कैन रीड इट आउट, पढ़ सकते हैं। एन ओल्ड बुक, ओल्ड ओ वॉवल साउंड, विंडो व कॉन्सोनेंट साउंड सो अ वॉवल साउंड सो एन, हॉर्स ह कॉन्सोनेंट साउंड अ, एयरपोर्ट ए एन यूज होगा, लाइकवाइज यू कैन प्रैक्टिस अगेन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां ये तीन विंडो दी हुई हैं और फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग टू अदर, कैन यू ओपन अ विंडो means any window that is indefinite because he is feeling so hot and there are three windows here, so a window any window means like window 1, 2 or 3, he can open any of the windows, right? But second point is that here you can see only one window, so now the speaker is speaking, can you open the window? Why the? Because
Now there are only one window, the definite window, the particular window. So the particular, for particular things we use the, like the sun, the moon, the earth. Now there are some more rules. I have got a dog. There are many dogs, but I have got one. A dog means any dog, but here I am going to take the dog for a walk. Now which dog? Which I have got. Now the dog becomes particular here, and this is particular, the dog, my dog. So you can practice and understand it. We use the when it is clear which person or thing we mean. For example, the roof, the backyard means the particular roof, the particular backyard, and the particular kitchen. Where is Sam? He is in the kitchen. It means जहां सैम के बारे में बात हो रही है वहां एक ही किचन है उस घर में, और इसीलिए यहां आर्टिकल द यूज होगा. किचन इज पर्टिकुलर. द स्टेशन, द एयरपोर्ट, द बैंक, एंड यू कैन सी द डोर, द सीलिंग, द लाइट. द सेम पीटर एंड ब्रायन लिव इन द सेम स्ट्रीट, नॉट इन सेम स्ट्रीट. In the same street means where Peter and Brian live, that particular street. So when it becomes particular street, the same, the article the will be used. And do not use the with names of people and names of places. Like I went to Canberra yesterday. So Canberra is a name of place. We will not use any article that is correct. But if we write I went to the Canberra yesterday, so here this sentence would be wrong. The same, I saw Sue last week, that is correct. But I saw the Sue, no, never. So it is wrong. And with breakfast, lunch, dinner, days, months, years, we do not use the. Thank you for watching.